हौली हौली गुड्डी जड़ी जावे चढ़ती मालक दे हाथ साडे सिर ते जरूर ने। इस जिंदगी दे किस्से आज मिट्टी ने खास अपना बना दूंगा रोली देख भाई तुझे पूरा समझा दिया मैंने, पर भाई मुझे एक बार पूरा बता दो ना कि करना क्या है मुझे। तो लड़की दिख रही है सामने? तू सामने हो और करूं मैं। हाँ भाई बहुत अच्छी लड़की है ये तो। हाँ अच्छी लड़की है, पर तू काम की बात सुन, वो इस गांव की सबसे बड़ी जमींदार की लड़की है। अच्छा सबसे बड़े जमींदार की लड़की है, मतलब काफी पैसा होगा फिर तो। करोड़ों की प्रॉपर्टी उसके पास, तुझे उस लड़की को पटाना है और उसकी प्रॉपर्टी को अपने नाम पर करना है, और इस काम के लिए मैं तुझे 2 लाख रुपए दूंगा। मैं पागल हो गया क्या? प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी तो तेरे 2 लाख का क्या करूंगा मैं? देख ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत कर, वरना यही कोई कोने में तेरी लाश मिलेगी तो तू जानता ही है मुझे। तुझे बस उस लड़की को पटाना है, उसे शादी भी करना है और उसकी प्रॉपर्टी को अपने नाम पर करनी है। बाद में वो प्रॉपर्टी मुझे मेरे नाम पर कर देना, और उसके लिए मैं तुझे मुंह मांगी कीमत दूंगा 10 लाख। चल दिया, और ये ले तेरे एडवांस। ये तो 300 रुपये है। हाँ तो ठीक है ना, पैसे आ जाएंगे तो दे दूंगा ना। और हाँ ज्यादा चालाकी मत करना, मेरा जासूस तेरा पीछा करता रहेगा हमेशा। कौन जासूस? ये हमेशा तेरा पीछा करता रहेगा, तो ज्यादा चालाकी मत करना। लड़की को पटाने का काम दिया है, सिर्फ उतना ही करना। Hey, my name is Michael. I'm from London. अबे तो सच बता दे भैया, मेरा नाम मुकेश है, मैं पीछे वाले गली में रहता हूँ और मैं जासूसी का काम करता हूँ। टाइम पास नहीं, चलो लग जाओ काम पे। अरे भैया कुछ पैसे दे देते एडवांस तो अच्छा रहता। हाँ तो एडवांस दिए ना इसको, आपस में आधे आधे बांट लो। 300 में क्या बटेगा रे, जबान नहीं चलाना, चल लगो काम पे। हाँ भैया आ रही हूँ, थोड़ी देर में बस आ जाएगी। अबे यार इसे बात कैसे करूँ? हाँ आइडिया। मैडम ये गांव के लिए बस कब आएगी? कौन से गांव जाना है आपको? कौन कौन से गांव है वैसे यहाँ? पर आपके पास तो बाइक है, आप इससे भी तो जा सकते हो। अरे हाँ पर कैसा है वो बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है मेरी। हटो तुम, मैं देखती हूँ। ये तो स्टार्ट हो गई। थैंक यू। अरे वाह आपके हाथ में तो जादू है। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे थे? अरे नहीं जी मेरी छकली ऐसी है। अच्छा वैसे आप कहाँ जा रहे हो? अरे मुझे घर जाना है, पर मैं बस का वेट कर रही थी, बट अभी तक आई नहीं बस। अरे तो मैं छोड़ देता हूँ ना आपको, मैं भी इसी साइड जा रहा हूँ। पर मुझे इस साइड जाना है। अच्छा मैं इसी साइड जा रहा था, मैं आपको छोड़ देता हूँ घर तक। अरे आप टेंशन मत लो, आओ मैं छोड़ देता हूँ। चलो बैठो, आप आपको छोड़ देता हूँ घर तक। हेलो बॉस। बॉस ये लड़का तो बहुत तेज निकला, उसने तो काटिल को बाइक पे भी बैठा लिया। भाई 20 मिनट पेटीएम कर सकता है क्या यार? पीने के लिए पानी भी नहीं है यार। हाँ हाँ सुना, अरे वो 10 लाख की डील क्या हुआ? मेरे आइडिया के साथ तू काफी तेज निकला। ओ हीरो इतना सा काम करके ना खुद को हीरो मत समझ, उसके भाई ने तुझे देख लिया ना तो तुझे काट के फेंक देगा, ठीक है? अरे उसका भाई भी है क्या? लो नाम लिया शैतान आजीर। हाँ भाई वो लेआउट देखने आया था, काजल भी साथ में ही है। भाई तूने तो बोला था कि उसका भाई बहुत डेंजर है, तो बेचारा नरम स्वभाव का शरीफ इंसान लग रहा है। यो नरम स्वभाव का? अबे इतना ही नरम होता तो तुझे पैसे क्यों देता, मैं खुद नहीं करता क्या? चल
तुझे ट्रेलर दिखाता हूँ। ट्रेलर दिखाता हूँ मतलब? ए मुकेश चल। अरे भैया मैं नहीं जाऊंगा, वो बहुत मारता है, पिछले बार भी बहुत धोया था उसने मुझे। देख 70 रुपए दूंगा। ठीक है भैया अभी जाता हूँ। ये गाड़ी कैसे पार्क कर दी तुमने, समझ में नहीं आता है क्या? नो पार्किंग जोन में, चलो हटाओ यहाँ से। सॉरी भैया मुझे पता नहीं था, मैं भैया को बताती हूँ। कहाँ है तुम्हारा भाई, बुलाओ उसको, मैं देखता हूँ उसने हिम्मत कैसे की यहाँ गाड़ी पार्क करने की। क्या हुआ भाई साहब? ये कोई तमीज हुई, बीच सड़क पे तूने गाड़ी पार्क कर दी, गवार साले। ओए हिम्मत कैसी हुई तेरी गवार बोलने की? काजल तू थोड़ा साइड में हो, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है, है? अबे ये तो बहुत डेंजर है, देख ले नरम स्वभाव का। मैं बचाता हूँ यार इसको। अरे सॉरी भैया। अरे भैया इस निर्दोष प्राणी को क्यों मार रहे हो, तू भी इसी के साथ का लगता है। अरे नहीं नहीं भैया सॉरी सॉरी भैया। अरे भैया नहीं, वो वही है जिन्होंने कल मेरी मदद की थी। अरे 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 सॉरी सॉरी भाई साहब, चला जाए यहाँ से, दिखना मत आज के बाद। अरे हाँ काजल बता रही थी कि आपने हेल्प की उसकी, आजकल कम ही लोग मिलते हैं जो किसी की हेल्प करते हैं, वरना आजकल के लड़के तो किसी की इज्जत भी नहीं करते हैं। अरे नहीं भैया हम ऐसे नहीं हैं, संस्कार तो कूट कूट के भरे हैं हमें, बचपन से ही हम संस्कारी रहे हैं, सुबह उठ के मंदिर जाते रहे हैं, पूजा पाठ करते हैं और मांस मछली से तो दूर रहते हैं हम। शिप 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 शिप। बड़े धार्मिक विचार है आपके। अरे भैया ये तो कुछ भी नहीं है, हम तो धूम्रपान से भी दूर रहते हैं, कहते हैं उससे कैंसर होता है। खुद की तारीफ खुद कर लेते हो। चलो फिर आना कभी घर पे। जी हाँ भैया हम तो आपके घर पे ही कब्जा करना चाहते हैं। क्या बोला तूने? अरे नहीं भैया मतलब जैसे कि आप बहुत नेक इंसान हो, तो आप जैसे नेक इंसान के घर कौन नहीं जाना चाहेगा। ठीक है भाई साहब चलते हैं घर। जी चलो काजल। यार गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है? गाड़ी खराब हो गई, मिशन सक्सेसफुल। अरे भैया कार खराब हो गई, ओ माय गॉड दिस इज वेरी सिट्रिकल कंडीशनर, वेरी बैड न्यूज, कार इज स्टॉप, ओ माय गॉड आई हेल्प यू वेरी मच, चलो साइड हटो। भाई अंग्रेजी तो अच्छी बोल लेते हो। अरे भैया आप खुद की क्या ही तारीफ करें, एक्चुअली आई एम अ गुड ग्रेजुएशन फ्रॉम MIT कॉलेज लास्ट ईयर 2 times। भाई साहब ये मेरे सामने बोला ना तो ठीक है, पर किसी और के सामने नहीं बोलना, इससे ना देश का भविष्य खतरे में पड़ सकता है, अंग्रेजी की माँ बहन हो रही है इससे। आप ना एक काम करो आप हिंदी बोलो। भैया गाड़ी कब तक ठीक होगी? एक काम करो तुमसे नहीं होगा मैं देखता हूँ। मुझे ना आप बहुत पसंद हो। मुझे भी आप बहुत पसंद हो। अरे भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस गुड न्यूज। अरे हाँ भाई तेरे भाभी को लड़का हुआ है, मैं पापा बनने वाला हूँ। अरे भाई वो नहीं यार, आपको हमेशा एक ही बात सोचती है, वो देखो प्रिंस और काजल की बात बन गई, अब हमारा सपना साकार होने वाला है। वाह यार क्या सच में तुम मुझे पसंद करती हो? अरे नहीं बाबा मैं मजाक कर रही हूँ। लगता है भैया मैंने कुछ गलत सुन लिया। मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती। अरे भैया मैं देखता हूँ गाड़ी, मुझे प्रॉब्लम समझ में आ गई क्या है इसकी, चलो साइड हटो साइड हटो। अरे गाड़ी की प्रॉब्लम मुझे समझ में आ गई है, गाड़ी अभी चुटकियों में ठीक होगी, तुम स्टार्ट तो करो जाके, चलो गाड़ी में बैठो जल्दी। हो गई एक बार स्टार्ट करो स्टार्ट। अरे फिर स्टार्ट होगी। अरे भाई आपके हाथों में तो जादू है। भैया आप मुझे गांव तक छोड़ दोगे? नहीं मैं शहर जा रहा हूँ। अरे मेरा मतलब है आप मुझे शहर तक छोड़ दोगे? अरे क्या बात कर दी भाई, बैठो बैठो। थैंक यू भैया लिफ्ट देने के लिए। कितने पैसे दिए उसने? मुझे सब पता है, तुझे अकेले नहीं भेजा है ना, और जो खुद कुछ नहीं कर सकते वो दूसरों को गिरा के आगे आना चाहते हैं। मुझे पता है उसने तुझे मेरी प्रॉपर्टी के लिए भेजा है, पर मैं इतना भी कमजोर इंसान नहीं हूँ जो उसके जाल में फंस जाऊं। तो ये ले मेरे प्रॉपर्टी के सारे कागज, दे देना उसको और बोल देना साइन भी है उसमें मेरे।
कसम से बिलीव नहीं हो रहा यार, सारा प्रॉपर्टी मेरे नाम। भाई 4 साल से ट्राई कर रहा था यार, मुझसे नहीं हो पाया। भाई तू फरिश्ता है यार, तू फरिश्ता है मेरे लिए। भाई ये तो छोटा सा काम था मेरे लिए। तुझे मैंने 10 लाख बोला था ना, भाई 15 लाख दूंगा तुझे। हाँ, मेरी फीस भी दे दो ना। हाँ है ना, तुझे 70 रुपए रख, एंजॉय कर। सिर्फ 70 रुपए? क्यों बे, इस गांव का सबसे बड़ा जमींदार का बेटा है तू, अब सब खत्म। अब ये पूरी प्रॉपर्टी मेरी, और लीगली भी तू कुछ नहीं कर पाएगा। वैसे तू टेंशन मत ले, इतना बुरा भी नहीं हूं मैं, तुम लोगों पे तरस खा जाऊंगा। अगर तुमको जॉब चाहिए होगी ना, तो तुम मेरे यहाँ पे नौकर काम कर सकते हो, किचन टॉयलेट सब साफ करना पड़ेगा। और तू तू टेंशन मत ले, तेरे लिए वो प्रिंस है ना, 15 लाख रुपए दिए उसे, बहुत खुश रखेगा तुझे वो। अच्छा प्लान था तेरा, मैं चाहता तो उसी दिन तुझे सबक सिखा देता था, पर तुझे तो मैं सरप्राइज देना चाहता था। तूने गेम अच्छी खेली, पर तुझे ये नहीं पता कि इस गेम का किंग कौन है। मतलब मतलब ये कि ये मेरी बहन नहीं है, और जो तेरे हाथ में पेपर्स है ना, वो भी नकली है। ये नकली है? हो ही नहीं सकता। और अगर ये तेरी बहन नहीं है, तो इतने सालों से तेरे घर पे क्यों रह रही है? ये मेरी भाभी है। भाभी मतलब? और तूने मेरे छोटे भाई को नहीं देखा ना कभी? कौन है वो? ले आ गया। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर क्या हाल है बॉस? थैंक यू 15 लाख रुपए के लिए। भाभी से नहीं मिला अपनी? तू पति इसका? हाँ भाभी है तेरी, इज्जत से बात कर। और हाँ ये बड़े भैया, नमस्ते तो कर दे। क्या कहा था तूने? नौकर की जॉब देगा, अब मैं तुझे ऑफर करता हूँ। पुलिस को बुलाऊं? अच्छा लगेगा तुझे। भैया माफ कर दो प्लीज। भाई गलती ना इंसान से होती है, और तुझे पता है क्या हम देसी लोग में क्या फर्क है? मैं चाहता तो मैं तुझे उसी दिन देख लेता, लेकिन मैंने तेरी चाल को अपनी चाल बना लिया ताकि मैं तुझे सबक सिखा सकूं। और हाँ अभी भी तुझे छोड़ रहा हूँ, इस शहर में मत दिख जाना फिर से, और दूसरे शहर में जाके ना फिर से गलती मत करना। भाई मेहनत का 100 रुपए भी कमाएगा ना, सुकून है उसमें। किसी का घर उजाड़ के पैसे कमाए गए ना, हजम नहीं होते। भाई मेरे 15 लाख तो वापस कर दो। टेंशन ना ले, तेरे पैसे गरीब बच्चों की परवरिश के लिए दिए हैं, कुछ तो पुण्य का काम होगा तेरी तरफ से, तूने हमेशा दूसरों से छीने तो है। ओए पंगा ता बराबर दे नाल लई दे, तेरा ते साडा ता बहुत फर्क। आठिया ने यारी नहीं उलाई, इको नाल लाई देन भाई 24/7। हेलो गाइस, तो कैसी लगी वीडियो? वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, और अभी कमेंट बॉक्स में जाओ और मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। और जो नए व्यूअर्स हैं, जो पहली बार मेरे चैनल पे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है बाजू में, बेल आइकन आ रहा होगा उसे प्रेस जरूर कर देना। तो गाइज आप वीडियो देख लेते हो, लाइक करते नहीं हो, प्लीज़ लाइक जरूर कर दिया करो, आपके एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और हमें कमेंट करके बताया करो कि आपको आगे कैसी वीडियो चाहिए, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक कर दें, और सब्सक्राइब करें भी ना बिल्कुल मत जाना, और वीडियो को दबा के शेयर करो। लव यू ऑल।